अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब में अब जो हाउस ड्राइवरिंग का वीज़ा है बहुत कम निकलता है, क्योंकि जो पुराने हैं वही जो है अभी आते हैं छुट्टी काट कर। ये लोग भी पुराने ड्राइवर को मांगते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर रहता है उनको कफाला बोलते हैं, ट्रांसफ़र करा लेते हैं अपने पास, तो उसे कफाला बोला जाता है। तो उनको इजी रहता है ना, कि ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ता है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जो यहाँ पर ड्राइवर रहते हैं ऑलरेडी पहले से यहाँ रहते हैं, तो उनको यहाँ पर अपने पास बुलाने में उनको इजी पड़ता है, तो कफाला करवा लेते हैं, ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो पुराने ड्राइवर हैं वही जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और नए ड्राइवर का वीज़ा मुझे लगता है कि बहुत ही कम निकल रहा है। आप भी किसी रिश्तेदार को या तो दोस्त को बोले होंगे कि हाउस ड्राइवर के वीज़ा चाहिए, तो अगर वो बोलता है कि नहीं है, मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा है। क्योंकि अभी सऊदी अरब में बदलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ भाई, तो देखता हूँ कि वहाँ पर जो है 60% तो लड़कियाँ गाड़ी खुद चला कर आती हैं, 60-70% लड़कियाँ खुद गाड़ी का चला कर आती हैं, और करीब 30-40% जो है जो ड्राइवर है वही आते हैं। जिसकी फैमिली बड़ी है वही जो है उसी के पास ड्राइवर है। जो छोटे मोटे फैमिली वाले हैं, जैसे दो चार आदमी, 6 आदमी तक हैं, तो वो उनकी उनके घर पर खुद ही गाड़ियाँ चलाने लगे सब। उनकी लड़की गाड़ी चला के स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो इस वजह से हाउस ड्राइवर की वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई अभी सऊदी अरब में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 साल में सऊदी अरब बहुत ज़्यादा बदल जाएगा भाई, और यहाँ पर बहुत ही कम अजनबी रह जाएंगे। क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम है तो वो भी सऊदी आदमी करने लगे, वॉचमैनी का काम है तो वॉचमैनी भी सऊदी आदमी करने लगे, और जो जैसे एसी का काम है, टेक्निकल काम जो है, अभी वो भी सऊदी अरब के लोग चालू करने लगे। तो मतलब कि अजनबी जो काम करते थे और सऊदी नहीं करते थे, सऊदी के लोग वो काम नहीं करते थे, अभी वो सारे काम सऊदी अरब के लोग करने लगे हैं, और जो बड़े बड़े पोस्ट के काम रहते हैं तो वो ऑलरेडी इनके है ही हैं, तो ये सारे काम भी जो है भाई ये सब पूरा अभी करने लगे हैं। तो ऐसा अनुमान लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले 4-5 साल में सऊदी अरब तो बिल्कुल ही बदल जाएगा, और गैर मुल्की तो बहुत ही कम रह जाएंगे, इधर वही रह जाएंगे जो एकदम थर्ड क्लास का काम रहता है, जैसे कचरा उठाना या झाड़ू लगाना, और यही सब जो है साफ़ सफाई करना, यही सब मामले में रह जाएंगे गैर मुल्की लोग। सऊदी अरब में भी देख रहा हूँ कि सुपरमार्केट का जो काम है उसमें भी सऊदी के आदमी हैं, एक आदमी हर काम में रखते हैं, और जैसे अभी टी स्टॉल है, जैसे चाय की दुकान है, तो उस पर भी एक आदमी रहेगा, बूफिया जिसको बोलते हैं, उस पर भी एक आदमी रहता है सऊदी अरब पे। अब वहाँ पर जो है 4,000-5,000 उसकी सैलरी कम से कम रहेगी। एक चाय बेचने वाला इंसान 4-5 हज़ार जो है इनको सैलरी देगा, तो समझिए क्या कमाएगा। और दूसरी बात, जैसे अभी नाव की दुकान है और दर्जी की दुकान है और चाय की दुकान है, इस पर भी अगर कोई भी गलती होती है, जैसे तो बलदिया वाले जो होते हैं, म्यूनसिपाल्टी वाले जिसको बोलते हैं, तो वो लोग आते हैं, इतना बुरा, इतना बड़ा है, उन लोग के ऊपर फाइन मार देते हैं भाई, जैसे 10,000 रियाल, 20,000 रियाल, 30,000 रियाल, तो ऐसा जो है इनके ऊपर फाइन लग जाता है। अब छोटा मोटा कारोबार करने वाला इंसान के ऊपर जब 20,000, 30,000 या 10,000 रियाल का जब मुखालफा लग जाएगा, तो सोच लीजिए कि वो कहाँ से चला पाएगा, तो ऑटोमेटिक वो दुकान बंद करेगा और भाग जाएगा। तो इस हिसाब से जो है अभी 5 साल में, 5-10 साल के अंदर ही बहुत सारे ऐसे दुकानें बंद हो गई, हर चीज़ बंद हो गई, बहुत सारे गैर मुल्की यहाँ से चले गए हैं। और ये रही यहाँ की जेंट्स की बात, मतलब यहाँ के जो सऊदी आदमी हैं उनकी बात। अब अगर सऊदी औरतों की बात अगर करते हैं, सऊदी लड़कियों की बात करते हैं, तो सऊदी लड़कियाँ भी भाई अभी हर काम में उनका सिलेक्शन हो रहा है और हो चुका है। जैसे सुपरमार्केट में है, बड़े बड़े मार्केट है हो गया, तो मॉल हो गया, तो वहाँ जो है इनको हर काउंटर पे आपको देखेंगे सऊदी की औरतें, सऊदी की लड़कियां, और फूड डिलीवरी में भी अभी सऊदी की लड़कियां आ गई हैं, और कोरियर डिलीवरी में भी सऊदी की लड़कियां आ गई हैं, तो और ड्राइविंग में भी सऊदी की लड़कियां आ गई हैं, तो ये सब भी काम सऊदी लड़कियां भी करने लगी हैं। आज के 10 साल पहले जैसे माहौल था कि सऊदी लड़कियों का बाल भी ना दिखे या नाखून तक के भी ना दिखे, यहाँ पर पंजे में मोजा लगाते थे, पैर में मोजा लगाते थे, आँख पूरा बंद रहता था,
चेहरा ढका रहता था, तो अभी उस तरीके का नहीं है। बस यहाँ है कि सऊदी की जो औरतें लड़कियाँ हैं इनको बुरखा पहनना लाजिम है, बाहर निकलनी है तो बुरखा या अभाया जिसको बोलते हैं वो पहनना लाजिम है। तो इस तरीके का भी सऊदी अरब हो गया है, जिससे मतलब वक्त वक्त के साथ साथ ये भी चल रहे हैं अपना। और जैसे कि पहले इनका जो है सारा कारोबार तेल पर था, और जो हज उमरा के लोग आते हैं तो उस पर जो है इनका सारा कारोबार उस पर था। अभी जो है फॉरेन लोग जो आते हैं घूमने के लिए, यहाँ विजिट करने के लिए, तो उनका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए तो काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव हो गए हैं पहले से और अभी तक के सऊदी अरब में, और आने वाले 4-5 साल में और 2030 तक तो मुझे लग रहा है कि ऐसा बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। गैर मुल्की तो बहुत ही कम हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि हम लोग अगर जैसे सऊदी अरब में हैं भाई, और जो भी कमा रहा है यहाँ सऊदी अरब में, जो छोटे मोटे कारोबार वाले हैं या छोटे मोटे काम जो करते हैं, तो वो यही समझ लें कि अपना अपना कि अपना इंडिया में अभी से अगर कुछ व्यवस्था करें काम धंधे की, कुछ अभी से सेटिंग करने की अगर शुरुआत करें, तो मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में, 3 साल में वहाँ अपना कारोबार सेट कर किया जा सकता है। क्योंकि भाई ये फॉरेन कंट्री है, ये सऊदी अरब है, यहाँ अभी हम लोग का जो है हाउस ड्राइवरी में काम कर रहे हैं, अभी इनका मूड हुआ कोई भी बात हो गया तो तुरंत जो है लगा देंगे खुरूज, तुरंत जो है भेज देंगे, तो नौकरी तो चली जाएगी हाथ से। अचानक से अगर भेज दिया जाए तो क्या कर सकते हैं, इंडिया में कुछ तो वहाँ पर सेट नहीं है हमारा काम की, चलो वहाँ पर कुछ जाकर कारोबार चालू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर अभी से वहाँ पर कोई सेटिंग करने लगे काम का, तो हो सकता है कि 1-2 साल में सेट हो जाए कारोबार। क्योंकि भाई ज़िंदगी तो वहाँ बिताना है, ज़िंदगी तो यहाँ बीतेगा नहीं, ज़िंदगी वहाँ बिताना है और वहाँ कारोबार कुछ कर लेंगे अगर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर 15-20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया भी आप अगर इंडिया में कमा रहे हैं तो सऊदी अरब आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप वहीं पर कमाएं अच्छे से। और क्योंकि उससे ज़्यादा यहाँ पर बच नहीं सकता भाई, अगर नए आ रहे हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, सारा काम अभी सऊदी आदमी खुद करते हैं भाई, उनकी औरतें भी करती हैं, उनकी लड़कियाँ भी करती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई आने वाले हैं और आने की सोचते भी हैं। तो भाई वहाँ पर कुछ अगर शुरुआत किया जाए तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।